एक कहावत है कि एक चोर की बुद्धि किसी भी पुलिस वाले से ज्यादा होती है। ऐसा ही एक मामला आज सुबह धनबाद के बखवड्डा थाना होकर गुजरने वाली जीटी रोड पर पकड़ में आया है। जी हाँ, कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है कि पशु तस्कर ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार आज तड़के गौ रक्षा दल के सदस्यों ने डाक पार्सल लिखे कंटेनर में पशुधन ले जाते एक ट्रक को पकड़ा है, जहां की गायों को कतरास गौशाला भेज दिया गया है और तस्करों पर केस करने की तैयारी की जा रही है। कंटेनर में गायों को इस तरह से ठूस ठूस कर भरा गया था कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। निर्दयता के साथ कंटेनर में गायों को ठूस कर रखा गया था। पशु तस्कर कंटेनर में बाहर बड़े बड़े अक्षरों में डाक पार्सल लिखकर उसमें पशुधन ले जा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर बखवड्डा के किसान चौक पर गौ रक्षा दल के सदस्यों ने आज तड़के कंटेनर का पीछा कर उसे पकड़ा। कंटेनर का दरवाजा खोलते ही सभी दंग रह गए। बहुत ही निर्दयता के साथ कंटेनर में गायों को ठूस कर रखा गया था। आश्चर्यजनक बात है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी सक्रियता नहीं दिखाई गई। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची और कहकर चली गई कि बड़ा बाबू आएंगे तो मामले को देखेंगे। इधर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अमर कुमार पांडे ने कहा कि गौ तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। जानकारी के अनुसार कोयला तस्करी की तरह ही जारी होता है गौ तस्करी का भी पासिंग कोड। आपको बता दें कि कोयला तस्करी की तरह ही पशु तस्करी जीटी रोड से बेधड़क होती है। जिस प्रकार चोरी का कोयला लदा ट्रकों को पार कराने के लिए पासिंग कोड का प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार पशु तस्करी के लिए वाहनों को पासिंग कोड दिया जाता है। यह पासिंग कोड सिंडिकेट के लोग देते हैं। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि जिन जिन थाना क्षेत्र से होकर गाड़ियां गुजरती है, सभी थानों को निर्धारित राशि मिलती है। वहीं एक रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार सिंडिकेट और पशु तस्करों के तार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हैं। झारखंड होकर बंगाल जाने के रास्ते कई हैं, लिहाजा सिंडिकेट भी कई तरह से काम करते हैं और सबका अपना अपना इलाका होता है। जानकारी के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश से आने वाले गाड़ियों को धनबाद के बॉर्डर पर जीटी रोड के किनारे एक जगह रोक लिया जाता है और फिर शाम होने का इंतजार किया जाता है। रात होने के बाद गाड़ियां निकल जाती है, साथ में सिंडिकेट के लोग आगे पीछे चलते हैं और गाड़ियों को सुरक्षित बंगाल बॉर्डर तक पहुंचा देते हैं। बंगाल में गाड़ियां प्रवेश करती है और फिर पशुओं को बांग्लादेश भेज दिया जाता है। बहरहाल मामला जो भी रहा हो, पुलिस आगे अपने अनुसंधान में जुट गई थी और आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। हम लोग को गुप्त सूचना मिला था कि आज एक हफ्ते से तकरीबन कई गाड़ियां रोज पार हो रही है, अवैध तरीके से गाय लदी हुई, जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ प्रशासन बोलिए या जो बोलिए, कई बार प्रेस में भी आया लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। आज सूचना मिला कि 3-4 गाड़ियाँ लगातार निकलने वाली है। हम लोग रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे, गाड़ी का नंबर मिला तो हम लोग ओवरटेक करके गाड़ी को रोके हैं। किस तरह से करते हैं पशु तस्करी लोग? तस्करी ये देख रहे हैं, अवैध रूप से कंटेनर पैक है और डाक पार्सल लिखा हुआ है इस पे, लेकिन अंदर में जानवर मवेशी भरा पड़ा है। अब बहुत सारा अनलिमिटेड, मतलब कोई भी दारू नहीं है। आप भी तो चढ़ के देखे ही, ये सारा जो है सूचना दिए आप लोग, प्रशासन को दिए, लेकिन अब हो सकता है रात का टाइम हो। प्रभारी साहब को, बरवड्डा थाना प्रभारी को फोन किया, फोन उठाए नहीं, लास्ट में डीजीपी कंट्रोल रूम में फोन करना पड़ा। मामला है, हम लोग को जैसे सूचना मिला कि गौ रक्षा दल में जानवर गाड़ी पकड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको थाना ले लाए और हम लोग वरीय पदाधिकारी को सूचित करें।